ईसा आई लव यू ईसा। अरे कौन है ये, कोई इस पागल को उठाओ। वॉचमैन वॉचमैन ईसा ईसा आई लव यू ईसा। अरे कहां मर गए सबके सब, और तेरी इतनी हिम्मत मेरी बीवी को छेड़ना। राज ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, पागल है वो, मारो मत। अरे ईसा पागल है ये तो मैं क्या करूं, और तुमने देखा नहीं किस तरह से ये आके तुम्हें छेड़ता है, ऐसे ना जाने कितनी लड़कियों को छेड़ता होगा ये रोज। अरे भाई साहब क्या हो गया? अरे भाई साहब पता नहीं क्या कहते हो तुम लोग, तुम्हारे पार्क में ये पागल घुसाया है और ये दूसरों की बीबियों को छेड़ रहा है, और तुम कर क्या रहे हो यहाँ? अरे भैया मैं उधर वो पौधों की कटिंग कर रहा था इसलिए ध्यान नहीं दिया, मैं इसे लेके जाता हूँ। चल बे चल पागल चल। ईसा चल ईसा ईसा चलो कहीं और चलते हैं, सारा मूड खराब कर दिया। सुनो राज मैं क्या कह रही थी, तुम चलो मैं आती हूँ। क्यों तुम क्यों नहीं चल रही? अरे वो मेरी दोस्त थी वो मिलने की बोल रही थी, तो तुम चलो मैं उससे मिलकर आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। अरे यार ये बच्चे भी कुछ भी सामान तोड़ के यहीं फेंक जाते हैं। अरे भैया वो जो आपके साथ अभी पागल था वो कहाँ चला गया? अरे बहन जी वो तो मैंने इधर ही भगा दिया। अच्छा ठीक है भैया। युवराज तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? ईसा आई लव यू ईसा। तो मेरा शक सही था, तुम्हारा और इस पागल का कुछ तो चक्कर है, तभी तुमने पार्क में मुझे इसे मारने नहीं दिया, और मुझसे झूठ बोल के अपनी फ्रेंड का बहाना बना के इससे मिलने आ गई। अरे बेशरम औरत, तुझे जरा भी शर्म नहीं, एक पागल से प्यार कर बैठी, और मेरा तो मन कर रहा है कि तुझे और इस पागल को दोनों को अभी मारूं। राज बस करो और प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं तुम्हारी बात, जब सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, फिर भी कुछ सुनने सुनाने के लिए बचा है? राज ये कोई पागल नहीं है, ये मेरा एक्स है। क्या एक्स? हाँ मेरा एक्स, और मैं इसे ब्रेकअप के बाद आज पहली बार देख रही हूँ। ये पहले ना हमारी तरह ही नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन आज जब मैंने इसको देखा तो इसकी ऐसी हालत, मुझे तो लगता है कि हमारे ब्रेकअप की वजह से इस बेचारे की ऐसी हालत हो गई है। जब ये तुम्हारा एक्स है तो तुमने इसे छोड़ा क्यों? तुमसे शादी करने के लिए। क्या? मैं क्या करती राज, घर वालों का मुझ पर शादी का प्रेशर था, और इसका तब कोई काम भी नहीं था, इसलिए मुझे इसे छोड़कर तुमसे शादी करनी पड़ी। लेकिन ईसा ये तो गलत है ना, जब तुमने इससे प्यार किया तब तुमने नहीं देखा कि इसके पास जॉब है कि नहीं है, ये सेटल है कि नहीं है, और शादी की बात आई तो तुमने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर ली। और राज में क्या करती? अरे साथ देती इसका, और तुम मुझे एक बात बताओ, आज मेरा सेटल्ड बिजनेस देख के तुमने मुझसे शादी कर ली, अगर कल मेरा बिजनेस नहीं चला या मुझे लॉस हो गया तो तुम मुझे छोड़ के किसी अमीर आदमी से शादी कर लोगी? इसका मतलब ईसा तुम्हें इंसानों से नहीं पैसों से प्यार है। और हाँ एक और बात बता दूं तुम्हें, जो सच्चा प्यार कहते हैं ना वो कभी भी अपने पार्टनर को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ते। अरे सिचुएशन कैसी भी हो वो हर मुश्किल टाइम में ना अपने पार्टनर के साथ खड़े रहते हैं, समझी तुम? राज तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो? इसका इलाज करवाने, इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवाने, क्योंकि आज इसकी जो भी हालत हुई है ना कहीं उसका कसूरवार मैं भी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। बाय।